हाँ बच्चों आप लोग अ लिखे हुआ पूरा पांच बार लिखे हुए हाँ ठीक है। अब हम लोग दूसरे स्वर अक्षर यानी आ आ कैसे लिखते हैं। जैसे हम लोग पहला अक्षर को अ पूरा लिखे हैं तो उसके साथ हमें क्या जोड़ना चाहिए उसकी मात्रा यानी आ। जैसे हम लोग तीन लिखे तीन लिखे हाँ तो उसके साथ फिर हम लोग एक रेखा खींचेंगे उसके फिर उसके साथ एक कड़ीपाई लिखेंगे और उसके साथ क्या लिखेंगे ये उसकी मात्रा यानी आ लिखे आप लोग हाँ ठीक है। फिर कैसे लिखना है फिर अ अ के आगे आ की मात्रा अ लिखिए पूरी तरह से लिखिए हाँ रेखा के आर पार नहीं आना चाहिए दो रेखाओं के बीच में ही हमें इस अक्षर को लिखना है ताकि इसे हम लोग सुंदर अपना लिखावट सुंदर बनाए। तो जैसे अ लिखने के बाद उसके साथ आ लिखे हाँ तो इसे हम लोग पांच बार लिखना चाहिए ठीक है। फिर लिखे हुआ हाँ तो तीसरा स्वर अक्षर यानी ई कैसे लिखते हैं जैसे एक छोटी सी रेखा इस तरह हाँ पहली ऊपर वाली रेखा को जोड़कर एक छोटी सी रेखा खींचनी चाहिए जिसे एस लिखते हैं हम लोग अंग्रेजी में एस लिखते हैं ना उसी तरह उस रेखा को एस से इस तरह जोड़ना चाहिए और नीचे से थोड़ा सा उसका पूंछ बनाना चाहिए जैसे इस तरह दिखाई दे। तो इसे छोटी रेखा खींचिए फिर उसके ऊपर एस की जैसा ई को पूर्ण कीजिए फिर छोटा सा पूंछ तो इसे हम लोग ई कहते हैं ई इसे यानी इमली ठीक है। इसे हम इसे भी हम लोग पांच बार लिखेंगे हुआ। फिर जैसे एक छोटी सी रेखा और उसके जुड़कर इस आकार में ई को हम लोग लिखते हैं इस तरह ठीक है। फिर इसे हम लोग ऊपर एक रेखा खींचेंगे और हुआ लिखना तो इसी तरह हम लोग ई को भी पांच बार लिखेंगे ठीक है हाँ। तो इसके बाद ये हुआ हमारा ह्रस्व स्वर ई यानी। फिर दूसरा होता है दीर्घ स्वर जैसे पहले जैसे ई का जैसे ही यहाँ पे भी दूसरा दीर्घ ई भी इसी तरह लिखा जाता है जैसे छोटी रेखा उसके साथ ई और उसके साथ ऊपर एक मात्रा इसी तरह मात्रा को लिखेंगे तो ये होता है दीर्घ स्वर यानी। इसका उच्चार होता है दीर्घ यानी इसको उच्चार करने में हमें अधिक समय लगता है तो इसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं जैसे ई ठीक है। इसे फिर से हम लोग ई ह्रस्व स्वर की ऊपर उसकी मात्रा इस तरह तो इसे हम लोग ई कहते हैं ई से यानी ईक ठीक है हुआ। इसका एक बार आप लोग एक एक लाइन में इस अक्षर को लिखिए फिर इसे ध्यान में रखते हुए इसे देखते हुए क्या कीजिए उसका लिखावट लिखना पूर्ण कीजिए तो इसी तरह हम लोग स्वर अक्षरों को लिखेंगे आगे आप लोग और उ फिर आगे उ लिखेंगे जैसे आ गया आने वाला स्वर अक्षर कौन सा होता है दीर्घ स्वर ऊ
मैंने उर उसी को कैसे लिखे सेम जैसे हम लोग पहले वाला उ लिखे हैं तो सिर्फ उसको रचना भी सेम होती है तो उसके पीछे उसकी मात्रा होती है उसे हम लोग उ जैसे उर उसका दीर्घ उच्चार होता है उर उन यानी उनसे क्या क्या होता है गरम वस्त्र होते हैं गरम वस्त्र यानी जैसे स्वेटर कैप सॉक्स हैंड ग्लोव्स सभी क्या होते हैं ऊन से बनते हैं तो इसी तरह हम लोग पहले तरीके से लिखना है जैसे हम लोग अ लिखे है आ लिखे है और उ लिखे है तो सिर्फ इतना ही होता है कि उसकी मात्रा उसके साथ जुड़ा जाता है तो इसे हम लोग ऊ कहते हैं इसे भी हम लोग पांच बार लिखेंगे आगे सही अक्षरों में सुंदर से लिखिए उच्चार करते हुए लिखना चाहिए ताकि चुपचाप लिखना नहीं क्योंकि इसके साथ पढ़ना और लिखना एक साथ होंगे ऊ कैसे ऊ ठीक है इसे हम लोग पांच बार लिखेंगे और दूसरा आगे आने वाला स्वर अक्षर है इसको स्वर व्यंजनों में नहीं गिना जाता है तो इसे हम लोग रु सिर्फ रु कैसे लिखते हैं ये कड़ी पाई और उसकी ये इस तरह और इसको रु तीन के जैसा और कड़ी पाई त्री त्रल पे ना उसी तरह और इस तरह इसे रु रु से क्या होता है रु से ऋषि इसका उच्चार होता है ऋषि और इसे भी हम लोग क्या करना है पांच बार लिखना है कितने बार लिखना है पांच बार क्यों क्योंकि हमें अच्छी तरह अभ्यास हो सके ताकि आगे हम शब्दों में इसको सरल से लिखे तो रू से क्या होता है ऋषि इसको भी हमें पांच बार लिखना है फिर आगे आने वाला स्वर अक्षर कौन सा होता है ए को कैसे लिखना है इस तरह ए कटी पाई उसे हम लोग थोड़ा सा इस तरह लिखेंगे और इसे कहते हैं ए ए से एडी ए से एडी भी होता है ए से एक भी होता है ए एडी और ए से ए इसको भी हमें कितने बार लिखना है ऐसे लिखना है हाँ पांच बार लिखना है ऐसे ए डी और ऐसे ए अगले आने वाला अक्षर आई आई यानी उसके जैसे हमने पहला ए अक्षर लिखे उसको उसी तरह फिर से दोहराते हैं जैसे ए लिखना है उसके ऊपर उसकी मात्रा होती है उसकी उसके ऊपर सर पे एक छतरी की जैसे आकार के डंडी होती है तो उसे हम लोग आई की मात्रा कहते हैं इसको ए के ऊपर हम इस तरह लगाते हैं तो उसके उच्चार होता है आई ऐसे आईनर और ऐसे ऐरावत ऐरावत यानी सफेद हाथी होते हैं ना हाँ भगवान इंद्र का वाहन हम लोग बहुत सारे कहानियों में उसको देखा है और इसी तरह उसको ऐरावत कहते हैं लिखे बच्चे सभी आपने कैसे लिखना है जैसे हम लोग पहले ए लिखे ना उसी तरह हम लोग फिर से एक बार ए लिखेंगे फिर सिर्फ इतना फर्क होता है कि उसके ऊपर उसकी मात्रा आती है इसे हम लोग आय कहते हैं इसे भी हम लोग पांच बार लिखेंगे आय हुआ पांच बार लिखे हाँ ठीक है नेक्स्ट उसका दूसरा अक्षर होता है ओ ओ से क्या होता है ओ से ओखली ओ कैसे लिखना है जैसे हम लोग अ लिखे हैं और आ लिखे हैं आ के ऊपर ए की मात्रा लिखने से क्या होता है ओ होती है जैसे पहले हम लोग अ लिखेंगे ओ के बाद आ आ की मात्रा आ के बाद उसके ऊपर ए की मात्रा लगाने से क्या होता है वो होती है तो उसे हम लोग ओखली कहते हैं ओखली यानी हाँ ओखली यानी जो मम्मी लोग घर पे अचार चटनी वो बनाने
लगाने के लिए घुटने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना लकड़ी से उसे हम लोग कोकली कहते हैं जैसे अ पहले हम लोग अ लिखेंगे फिर उसको हम लोग आ आ की मात्रा जोड़ेंगे फिर उसके ऊपर ए की मात्रा लगाएंगे तो ओ होता है इसे भी हम लोग पांच बार लिखेंगे सब इसको समझ में आया अगर समझ में नहीं आए तो पूछिए लेकिन गलत मत लिखिए अगर नहीं आया तो फिर से उसको गलत हुआ तो उसको मिटाकर फिर से लिखिए लेकिन गलत मत लिखिए ठीक है ओ अ आ की मात्रा ऊपर ए की मात्रा किससे होता है औ ठीक है औ से हाँ बच्चों हुआ पूरा लिखना वो तक लिखे ठीक है आगे हम लोग औ की मात्रा जैसे अ लिखे हैं उसके साथ आ की मात्रा जोड़े हैं उसके साथ ए की मात्रा जोड़े हैं फिर उसके साथ ओ की मात्रा जोड़ने से क्या होता है औ जैसे औ से औरत होता है औ से औषध होता है इसी तरह हम लोग पहले जैसे हम लोग पांच बार लिखे ना उस अक्षर को भी आप लोग पांच बार लिखिए फिर दूसरा होता है नेक्स्ट आम जैसे आम से अंगूर हाँ ठीक है सिर्फ और लिखना है और के ऊपर बिंदु देना है तो उसे उससे हम आम कहते हैं और आहा आ और लिखना है उसके आगे दो बिंदु लिखने से वो आहा बनता है इसके ज्यादातर कुछ शब्दों का ही इसका उपयोग होता है आम से भी ज्यादा शब्द नहीं होता है तो इसके लिए हम लोग इसे भी हम लोग पांच बार लिखेंगे ठीक है इसके बाद हम आगे आएंगे कि मात्रा है मात्रा यानी जैसे अ को हम लोग स्वर अक्षरों को व्यंजनों के जोड़ने के लिए हम लोग सरल रूप में उसका परिवर्तन किया है जैसे सारे पूर्ण अक्षरों को लिखकर हम लोग शब्द नहीं बना सकते तो उन स्वर अक्षरों को उसकी मात्रा की सहायता से व्यंजन अक्षरों को जोड़कर हम लोग शब्द बनाते हैं जैसे अ अ की कोई मात्रा नहीं होती है अ स्वतंत्र होता है वो सिर्फ अन्य अक्षरों के साथ ही जुड़ता है जैसे आ आ की मात्रा जैसे कड़ी पाई की जैसे आ की मात्रा होता है इसे हर व्यंजन अक्षर के आगे हम लोग इसे लिखते हैं जैसे जैसे क क के साथ लिखने से क्या होता है का तो आ की मात्रा हम लोग जोड़कर लिखते हैं ई ई के साथ लिखने से क्या होता है व्यंजन अक्षर के लिखे साथ कहते हैं ई की ऋष्व स्वर की ई की मात्रा व्यंजन अक्षर से पहला लिखा जाता है कि इसका उच्चार कम समय में होता है जैसे की फिर दीर्घ स्वर की ई की मात्रा यहाँ हर एक व्यंजन अक्षर के बाद यानी व्यंजन अक्षर के आगे छोटी सॉरी ऋष्व स्वर की ई की मात्रा व्यंजन अक्षर से पहला लिखते हैं और दीर्घ स्वर की मात्रा व्यंजन अक्षर के आगे लिखते हैं जैसे की अब ऊ क्या होता है व्यंजन अक्षर के नीचे लिखा जाता है वो डंडी से यानी कड़ी पाई को जोड़कर ऊ की मात्रा लिखा जाता है इसे कु और दीर्घ स्वर ऋष्व स्वर के होने के बाद दीर्घ स्वर यानी सेम इसके जैसे भी हम लोग व्यंजन अक्षर के नीचे ही इसको लिखते हैं जैसे कु और प्रो जैसे ये ज्यादातर संस्कृत शब्द में इसका इन अक्षर का उपयोग होता है तो इसे भी रू की मात्रा को री की मात्रा को क के नीचे लिखते हैं और के को ए की मात्रा से जोड़ते हैं क के ऊपर ए की मात्रा जोड़ने से क्या होता है के इसे हम लोग विश्वसर कहते हैं और कई आई की मात्रा को क के ऊपर लिखने से क्या होता है कई और को कई आई की मात्रा कहाँ लिखा जाता है क के ऊपर और को ओ की मात्रा जोड़ने से क्या होता है को और इसी तरह क के आगे ओ की मात्रा जोड़ने से क्या होता है